मूवी अच्छी थी, मतलब कंपेयर टू सैराट ओके ओके, मतलब एस डिटो नहीं बनाया पर थोड़ा अलग बनाया, अच्छा है मूवी। ओके, अगर स्टार की अगर बात की जाए तो कितने स्टार देने चाहिए मूवी? मैं 4 स्टार देना चाहूँगा, मतलब एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा बहुत तो है, अच्छा है मूवी, एंडिंग भी अच्छा है। लगता है सैराट की मूवी कहीं ना कहीं आसपास है या उससे आसपास तो बेटर नहीं है? जाएगी पर 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी। आसपास जाएगी नहीं, मतलब वो एक बार ही वो होता है, वो वैसा वापस नहीं होगा। और पिक्चर ठीक ठाक लगी? मतलब दुख बहुत दुख हो रहा है कि लोग इतने दिन से इस पिक्चर का वेट कर रहे थे और मज़ा नहीं आया उतना। करण जौहर की फिल्म बोले, श्रीदेवी की बेटी की ओपनिंग फिल्म बोले, उस हिसाब से देखने जाए तो जीरो। ओके, स्टार की अगर बात करी जाए, जिस तरह की आपने बोला कि कितने स्टार देना चाहेंगे आप मूवी को? फिल्म को मैं 3 दूंगी ओवर एंड ऑल। ओके, सो लगता है कि सैराट के कहीं आसपास भी आप आई है या उससे बेटर है? एक तो पिक्चर का एंड बहुत बकवास है, एंड नहीं अच्छा लगा, मतलब बोलते हैं ना सेंसलेस एंड बनाया, कोई मतलब ही नहीं है इस तरह के एंड का, और बहुत जल्दी वाला एंड किया, ऐसा लगा कि वो पुरानी धड़क को कॉपी करके एंड करना है बस। पूरी फिल्म ऐसा इतना लंबी खींची और एंड एकदम 2 मिनट में कर दिया। ईशान खट्टर जो है बहुत परफेक्ट है और जानवी जिस तरह की कहानी है उसमें डिसेंट लग रही है, इसके आगे जब उन्हें अगर काम करना होगा तो मेहनत करनी पड़ेगी। शशांक खेतान इनकी, मैं हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया दोनों देखा हूँ तो मैं इन्हें पसंद करता हूँ। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जो इन्होंने फिल्म का अंत किया है वहाँ थोड़ा समय डामाडोल हो गया कि इन्होंने चौंकाने के लिए शायद कुछ कर दिया है, वो मुझे पसंद नहीं आया। ओके, स्टार वाइज कितने स्टार देना चाहेंगे? स्टार वाइज मैं ईशान खट्टर जानवी को देना चाहूँगा और 5 में से 2.5। थैंक यू। ओके सर, हाउ इज द फिल्म, कैसी लगी आपको? अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मराठी फिल्म सैराट की तरह ये फिल्म है तो आप बिल्कुल नहीं जाइए। अगर आपको एक रोमांटिक और बहुत ही प्यारी सी मूवी देखनी है तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, धड़क। देखिए, सैराट एक ऐसी मूवी थी जो मराठी थी और 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा उसने क्रॉस किया, कमाई के मामले में एक अलग ही उपलब्धि हासिल की। लेकिन धड़क की जो बात है, करण जौहर है, जाहिर है 100 करोड़ आसानी से जाएगा, 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। ईशान जानवी की अगर बात करिए तो उनका काम है, ईशान खट्टर लाजवाब है, क्लास काम किया लड़के ने, लेकिन जानवी जो है कहीं ना कहीं उसको ऐसा देख के लग रहा है जबरन उससे काम कराया गया, उसका बॉलीवुड में काम करने का तो मूड नहीं दिख रहा। स्टार की अगर बात करें तो कितने स्टार देना चाहेंगे आप मूवी को? मुझे लगता है 2.5 स्टार इस फिल्म के लिए बहुत है। नॉट गुड नॉट बैड। ओके, सैराट की अगर कंपेयर करिए तो क्या उससे बेटर मानते हैं? देखो, मराठी सैराट थी, उसको ऑलरेडी महाराष्ट्र के ऑडियंस ने, जो मराठी भाषी ऑडियंस है, उन्होंने 3-4 बार देखा है, तो महाराष्ट्र का ऑडियंस है, मुझे लगता है कि वो पहले दिन या 1 वीक में दौड़ के नहीं आएगा देखने के लिए। जो नॉन मराठी ऑडियंस है वो देखने आएंगे और वो भी ईशान और जानवी को देखने आएंगे। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ईशान का बहुत बढ़िया है, आशुतोष राणा जी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और जानवी का मुझे अच्छा नहीं लगा, मेवाड़ी एक्सेंट वो पकड़ ही नहीं पा रही थी। मुझे अच्छी लगी, मैंने सैराट के बारे में सुना है, जितना सुना है सैराट के बारे में उस हिसाब से मैं धड़क देखने आई थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इट्स अप टू डी मार्क। आई मीन पूरा आप नहीं बोल सकते हो कि सैराट के जैसा है, बट इट्स लाइक अप टू डी मार्क। इफ़ आई से कि कंपेयर करो तो नहीं, कंपेयर आप नहीं कर सकते हो बिकॉज सैराट का लेवल बहुत अलग है और महाराष्ट्र के लोग अगर देखेंगे धड़क तो दे आई थिंक दे वॉन्ट लाइक, बिकॉज सैराट में वो जो रॉनेस बोलता है ना वो थी और धड़क में कहीं ना कहीं मुझे कमर्शियल ज़्यादा लगी। हाँ, धड़क फिल्म जो है बहुत अच्छी लगी एंड कंसिडरिंग इट्स अ धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म, एक लोग उम्मीद लेके जाते हैं और प्रोडक्शन वैल्यू की भी एक उम्मीद होती है, तो वो हिसाब से द फिल्म इज़ वेरी गुड, मतलब टेक्निकली स्लिक फिल्म है। इतना ज़रूर है कि आप सैराट जो कि जिसका ये एडेप्टेशन है वो उससे कंपेयर करोगे तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म जो है इसका जो क्लाइमैक्स है वो खास है, क्योंकि थोड़ा ऑफ बीट टाइप ऑफ क्लाइमैक्स है और या तो आपकी धड़कन रुक जाएगी या फिर धड़कन तेज़ हो जाएगी। और जाह्नवी की तो बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही नेचुरल है, ये उन्होंने जाह्नवी ने साबित कर दिया कि उनके खून में श्रीदेवी का जो एक हुनर, श्रीदेवी की जो हुनर थी वो उनकी जो हुनर उनके खून में दौड़ रही है, और ईशान का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है।
तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इसको 3.5 to 4 स्टार्स दिया जा सकता है। धड़क अच्छी थी, ठीक ठाक लगी, ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी, एवरेज फिल्म है, वन टाइम वॉच है। जी जी जरूर। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आसपास में लगी आपने? पहली बात तो मैंने सैराट देखी नहीं है, पर मैंने बहुत ज़्यादा सुनी थी सैराट के बारे में कि जो न्यू फेस थे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। सैराट जो जानते नहीं थे लोग जानने लगे, तो वैसे कंपैरिजन तो मैं नहीं कर सकती, पर धड़क अपनी जगह है, सैराट अपनी जगह। ईशान तो उनकी एक्टिंग जैसे बियॉन्ड द क्लाउड्स में हमने देखी थी अच्छी एक्टिंग की है, उसी तरह उन्होंने धड़क में भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जाह्नवी कहीं ना कहीं मुझे कम लगी। जो इमोशनल सीन्स थे मैं मतलब इमोशनल हो नहीं पा रही थी, जबकि इमोशनल सीन्स थे वो कहीं ना कहीं फील देने में फेल हो रही थी। अगर वो थोड़ी मेहनत करे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करे, तो वो ज़रूर नेक्स्ट फिल्म में अच्छा करेंगे। नहीं, मैं 3 देना चाहूँगा।